बिग बॉस 14 के घर का माहौल हर दिन बदलता है। यहाँ पर दोस्त कब दुश्मन बन जाए किसी को कानो खबर नहीं मिलती है। बीते कुछ दिनों से निकी तंबोली और विकास गुप्ता के बीच अच्छी खासी बातें हो रही थी। बिग बॉस 14 के एपिसोड में निकी तंबोली तो विकास गुप्ता को भी बख्शने वाली नहीं है। निकी तंबोली बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड में विकास गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आने वाली हैं। बिग बॉस 14 के प्रोमो में विकास गुप्ता निकी तंबोली से उनके प्लेट धोने के लिए कह रहे हैं। विकास गुप्ता का हुक्म सुनकर निकी तंबोली तिलमिला जाती है। गुस्से से निकी तंबोली का पारा इतना चढ़ जाता है कि वे विकास गुप्ता को कुछ भी कह रही हैं। प्रोमो में साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बिग बॉस 14 के कि निकी तंबोली विकास गुप्ता पर साफ तौर पर फ्लर्ट करने पर आरोप लगा रही हैं। निकी तंबोली कह रही मुझे हुक्म मत दो ये कर वो कर करके खुद तो चुम्मा चाटी में बिजी रहता है। वेल निकी तंबोली की बातों को सुनकर डेबल एंड भट्टाचार्य जी का पारा काफी चढ़ जाता है। निकी के सामने ही विकास गुप्ता के गालों पर किस कर लेती हैं। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए निकी तंबोली और विकास गुप्ता नॉमिनेट हुए हैं। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि दोनों ने लाइमलाइट में रहने के लिए जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हैं। फिलहाल तो आज रात का एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरी में ये लड़ाई कहां तक जाएगी। इस समय विकास गुप्ता को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। विकास के बाद देवलीना भट्टाचार्य जी ऐसी कंटेस्टेंट है जिस पर दर्शक कम प्याल ही लुटा रहे हैं। वेल दोस्तों हो सकता है कि इस हफ्ते कम वोट मिलने के चलते विकास गुप्ता इस हफ्ते घर से बेघर हो जाएं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।